हेलो एवरीवन, मेरा नाम दिव्या मंडलोई है। मैं पंडित खुशीलाल शर्मा आयुर्वेदिक कॉलेज भोपाल BMS थर्ड ईयर के स्टूडेंट हूँ। ठीक है, तो हम आज पढ़ने वाले हैं भेषज कल्पना। तो भेषज कल्पना इस सब्जेक्ट में हम क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, उससे पहले मैं आपको भेषज और कल्पना इन दो वर्ड्स के मीनिंग बताने वाली हूँ। तो भेषज का क्या मीनिंग होगा, तो भेषज को भी हम अगर हम देखें तो यहाँ पर भेष वर्ड और एक ज, तो भेष का मीनिंग होता है भय या व्याधि। ठीक है, और भेषज ज का यहाँ पे है जीतना, तो जिसके द्वारा हम भय को जीतते हैं उसे हम कहेंगे भेषज। ठीक है, मतलब औषधि हो गई वो। ठीक है, और भेषज ज क्या हो, तो भेषज मतलब कि जो औषधि है उसके भाव को या उसके कर्म को हम कहेंगे भेषज। ठीक है, तो भेषज हो गया औषधि, भेषज ज का मीनिंग हो गया उसके भाव को, भाव या उसका कर्म। ठीक है, अब हम देखेंगे कल्पना। तो कल्पना मतलब कि क्या होती है, उसकी प्रिपरेशन। जैसे हम कोई भी औषधि द्रव्य होता है तो हम उसको उसके मूल या प्राकृतिक रूप में यूज़ नहीं करते हैं, तो कुछ ऐसी विधियाँ जिनके द्वारा हम द्रव्य को औषधि रूप में प्रयोग कर सके, तो हम वो हो गई, वो हमारी हो गई कल्पनाएँ। कल्पना मतलब प्रिपरेशन या प्रक्रियाएँ। ठीक है, तो ये हो गया भेषज और कल्पना। तो हम ये हो गया मीनिंग। अब हम भेषज कल्पना इस सब्जेक्ट में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ेंगे, तो आपको इस वर्ड से ही समझ में आता है भेषज कल्पनाएँ, मतलब हम यहाँ पर औषधियों की अलग अलग प्रिपरेशंस पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें यहाँ पे हम पंचवित कषाय कल्पना आती है, स्नेह कल्पना, संधान कल्पना या बाह्य उपचार जो कल्पना यूज़ होती है, जैसे लेप, नस्य, बस्ती, इनमें भी जो औषधि हम कैसे कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो ये सब भेषज कल्पना में पढ़ेंगे। और जो सब इम्पॉर्टेंट है, एक मान प्रकरण, ये भी हम भेषज कल्पना के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज मैं आपको सबसे पहले पढ़ाने वाली वो है पंचवित कषाय कल्पना। तो पंचवित कषाय कल्पना भेषज कल्पना के मूलभूत सिद्धांतों में इसे रखा गया है। अब मूलभूत कल्पनाएँ ये पांच होती है, या मौलिक या बेसिक कल्पनाएँ इन्हें कहते हैं। ठीक है, बाकी जो चूर्ण, वटी, अवलेह जो दूसरी होती है उन्हें द्वितीय कल्पनाएँ कहते हैं, मतलब कि इन मौलिक कल्पनाओं के द्वारा ही हम द्वितीय कल्पनाओं का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये मौलिक कल्पनाएँ हो गई पांच। कौन कौन सी होती है, स्वरस, कल्क, श्रित, हीम और फांट, और बाकी इसके अलावा जो हो गई वो सारी द्वितीय कल्पनाओं के अंतर्गत आ जाती है। अब यहाँ पंचविध कषाय कल्पना, अब यहाँ पे कषाय वर्ड का क्यों यूज़ किया गया है या इसका क्या मीनिंग है, तो इसकी निष्पत्ति के बारे में काश्यप जी कहते हैं कि गले में लगने के कारण हम इसे कषाय कहते हैं। ठीक है, या फिर गले के लिए अहितकर होने के कारण हम इसे कषाय कहते हैं। ये दो चीज़ें उन्होंने बताई है। एक और है कि रोगों का कर्षण, रोगों का कर्षण, कर्षण मतलब कि उसे बाहर निकालना शरीर से, तो रोगों का कर्षण करने के कारण भी यहाँ पर कषाय वर्ड का यूज़ किया गया है। कल्पना के बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया कि प्रिपरेशंस जिसके द्वारा हम जो द्रव्य होते हैं उन्हें हम औषधि रूप में किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ऐसी कुछ प्रिपरेशंस करना। ठीक है, अब पंचवित कषाय कल्पना, तो ये जो पांच कल्पनाएं हैं इनका हम यूज़ कहाँ कहाँ करेंगे, तो हम यहाँ पर इनका यूज़ जो होता है वह सर्वत्र समान नहीं होता है, मतलब हर जगह हम इनका समान यूज़ नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि चरक जी कहते हैं कि यथा पूर्व बलवान, मतलब कि जो स्वरस होता है वह अधिक बलवान होता है कल्क से, कल्क अधिक बलवान है क्वाथ से, क्वाथ अधिक बलवान होता है शीत से, और शीत अधिक बलवान होता है फांट से। तो ये बलवान का यहाँ क्या मीनिंग है, तो बलवान का मतलब कि जो उसकी कार्मुकता है, उसका कर्म करने की जो शक्ति है वो बहुत अधिक बलवान होती है, मतलब कि स्वरस की ज़्यादा बलवान होती है किससे, कल्क से। तो फिर हम यहाँ पे अगर उसकी कार्मुकता या उसकी कर्म कार्य क्षमता ही अधिक है, तो फिर हम रोग भी वैसे ही देखेंगे कि रोग अगर जो बहुत ज़्यादा बलवान है तो हम उसमें वो बलवान कल्पना का यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पर ये जो पांच तरीके की कल्पनाएँ हैं या इसका यूज़ हम रोगी और रोग के बल के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, सर्वत्र समान रूप से हम इन्हें यूज़ नहीं कर सकते कि कहीं भी हम स्वरस दे दें या कहीं भी कल्क दे दें, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब जो हम इन कल्पनाओं का निर्माण करते हैं वो किस बेसिस पे करते हैं, क्या आधार है कि हम किसी औषधि का स्वरस ही बनाते हैं या किसी का कल्क ही बनाते हैं, क्या रीज़न है इसके पीछे, तो ये हम देखते हैं। तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि जो द्रव्य है उसका सार भाग या उसका वीर्यांश जिस अंश में होगा हम उसके अकॉर्डिंग हम उसकी कल्पना का निर्माण करेंगे। जैसे कि कोई भी औषधि या कोई भी द्रव्य है, अगर उसका वीर या सार भाग उसके द्रवांश में हो तो हम उसका स्वरस बनाएंगे, मतलब कि वीर्यांश मतलब क्या बोल सकते हैं कि उसकी कार्य करने की शक्ति उसके जलीय भाग में ज़्यादा है तो हम उसका स्वरस बनाएंगे। ठीक है, अगर उसकी कार्य किसी भी द्रव्य की कार्य करने की शक्ति उसके पृथ्वीअंश और जलीयांश दोनों में है तो उसका कल्क बनाएंगे। अगर वायु और तेज अंश में उसका
सार भाग है, तो हम उसका क्या बनाएंगे, हीम बना सकते हैं, उसका फांट बना सकते हैं, चूर्ण बना सकते हैं कल का, लेकिन हम उसका क्वाथ नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर हमने उसका क्वाथ बनाया तो वो उड़नशील द्रव्यों के द्वारा उड़ जाएगा, मतलब कितना वोलेटाइल होने के कारण वो उड़ जाएगा अग्नि से संयोग होने पर, तो हम उसका क्वाथ नहीं बनाएंगे, क्वाथ के अतिरिक्त हम उसकी अन्य कल्पनाएँ करेंगे। ठीक है, तो ये हो गई हमारी कि किस बेसिस पे हम कौन सी कल्पना बनाते हैं, इसके पीछे का क्या रीज़न है, तो किस आधार पे बनाएंगे, तो उसके सार अंश या वीर्य अंश के आधार पर, कि उसका सार भाग या वीर्य भाग किस अंश में है, उसके अकॉर्डिंग हम उसकी प्रिपरेशन करेंगे या कल्पना करेंगे। उसके बाद हम पढ़ते हैं पंचकषाय योनि। ठीक है, तो पंचकषाय योनि क्या होती है, तो पंचकषाय कल्पना, पंचकषाय कल्पना जो होती है वो जिन द्रव्यों के द्वारा बनाई जाती है, तो मधुर रस वाले द्रव्यों से भी हम पंचकषाय कल्पना निर्माण करते हैं, अम्ल से भी करते हैं, कटु तिक्त और कषाय के द्वारा भी करते हैं, मतलब कि ये जो पांच रस होते हैं, इन रसों के जो द्रव्य होते हैं, इन द्रव्यों का यूज़ करके हम पंचकषाय कल्पना का निर्माण करते हैं। लेकिन जो लवण रस होता है, तो लवण रस के द्वारा हम पंचकषाय का निर्माण नहीं करते हैं, पंचकषाय मतलब ना हम स्वरस बनाते हैं, ना कल्क, ना हीम और फाण बना नहीं सकते एक्चुअली। ठीक है, अब हम लवण का स्वरस कैसे बना सकते हैं, नहीं बना सकते, अगर उसमें हमने पानी डाला तो वो घुल जाएगा। ठीक है, हम ऐसा नहीं होगा कि उसका सार भाग अलग हो गया जी और कुछ दूसरा पार्ट अलग हो गया, तो पॉसिबल नहीं है उसका स्वरस बनाना, कल्क नहीं बना सकते हम, उसका क्वाथ नहीं बना सकते, हाँ उसका हम चूर्ण बना सकते हैं, लेकिन चूर्ण बनाने के बाद भी हम उसको पंचवित कषाय कल्पना में क्यों नहीं रखते हैं, क्योंकि कल्पना मतलब क्या है, तो हम जिस भी द्रव्य की कल्पना करते हैं तो उसकी कल्पना के बाद उसके गुणों में परिवर्तन होता है या गुणों में वर्धन होता है उस कल्पना के बाद, लेकिन लवण के साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है कि हम उसका चूर्ण बना रहे हैं तो उसके बाद में उसका गुणों में कोई परिवर्तन हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि उसका कोई मतलब नहीं है चूर्ण बनाने का, वो वैसे भी वैसे ही गुण वाला है और चूर्ण बनाने के बाद भी वो वैसे ही गुण वाला है, इन शॉर्ट कि हम उसका पंचवित कषाय कल्पनाएँ नहीं बना सकते, इसीलिए उसे पंचकषाय योनि में नहीं रखा गया है। तो पंचकषाय योनि में केवल पांच ही रस को लिया गया है, मधुर, अम्ल, कटु, तिक्त और कषाय को। ठीक है, तो पंचवित कषाय कल्पना में हमने सबसे पहले उसको मूलभूत कल्पनाएं होती है ये देख लिया, कल्पना का क्या मीनिंग है ये आप बता देना, कषाय का क्या मीनिंग है यहाँ पे वो आप बता देना, फिर पांच क्या क्या है, इनका उपयोग हम किस बेसिस पे करेंगे और इनका निर्माण हम किस बेसिस पे करेंगे वो बता दिया, इनका निर्माण हम किस पे, वीर्यांश के बेसिस पे करेंगे, और फिर पंचकषाय योनि। उसके बाद ये तो हुई पंचवित कषाय कल्पना, अब पंचवित कषाय कल्पना के बाद षडवित कषाय कल्पना और सप्तवित कषाय कल्पना, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। तो षडवित कषाय कल्पना सुश्रुत जी ने मानी है, उन्होंने शीर कल्पना बस एक ऐड कर लिया है, बाकी पांच सेम है, और उन्होंने शीर कल्पना को सबसे स्टार्टिंग में रख दिया, और उन्होंने भी यही बोला है कि उत्तर उत्तर लघु होती जाती है उन्होंने, ठीक है, मतलब कि उन्होंने भी शीर को सबसे अधिक गुरु या बलवान माना है। उसके बाद काश्यप जी बोलते हैं सप्तवित कषाय कल्पना, उन्होंने दो कल्पनाएँ एड किए, चूर्ण और अभिशव, चूर्ण तो पाउडर, अभिशव मतलब मध्य, उन्होंने मध्य को सप्तवित कषाय कल्पना में ऐड किया है, मतलब कि उन्होंने जो मौलिक कल्पनाएं हैं उसमें मध्य को भी ऐड किया है। ठीक है, तो उन्होंने क्या षडवित कषाय कल्पना सुश्रुत ने मानी है, सप्तवित कषाय कल्पना काश्यप जी ने मानी है, और पंचवित तो चरक जी ने मानी है। ठीक है, कल्पना है, ठीक है, तो सबसे पहले स्वरस कल्पना, जिसमें हम आज स्वरस कल्पना का डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्वरस कल्पना, तो किन द्रव्यों का स्वरस बनाया जाता है, जिनका वीर या अंश या सार अंश किस में होता है, जलीय भाग में होता है, तो हम उसका स्वरस बनाएंगे। अब स्वरस में हम क्या क्या पढ़ेंगे, उसकी परिभाषा पढ़ेंगे, उसकी और विधियाँ जो भी है, उसकी मात्रा, प्रक्षेप द्रव्य, उसका उपयोग और फिर एग्जाम्पल, ये छः चीज़ें पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो सबसे पहले परिभाषा, यंत्र निष्पीड़िता द्रव्य आदर्श स्वरस उच्यते, मतलब कि आद्र द्रव्यों को यंत्र में निष्पीड़ित करके स्वरस बनाया जाता है। तो जो आद्र द्रव्य होते हैं उन्हें हम यंत्र में निष्पीड़ित करते हैं, मतलब कि उन्हें मसलते हैं, कुचलते हैं, फिर उन्हें जो होता है बस वस्त्र से छान कर, और फिर जो यूज़ वस्त्र से छान लेते हैं और फिर उस रस को हम यूज़ करते हैं, तो उसे कहेंगे हम स्वरस। ठीक है, ये हो गया कि आद्र अवस्था में कोई औषधि प्रेजेंट है तो हम उसका ऐसे स्वरस बनाएंगे। अब इसके अभाव में क्या करेंगे, तो इसके अभाव में भी आचार्यों ने हमें बताया है, तो चरक जी ने बताया है कि अगर तुम्हारे पास आद्र अवस्था में कोई अगर औषधि प्रेजेंट नहीं है तो उसका चूर्ण ले ले, समान भाग में जल
लेंगे, उसको 24 आवर्स तक रखेंगे, फिर बस 24 घंटे के बाद हम उसको बस मसल लेंगे, वस्त्र से छान के यूज़ करेंगे। तो ये हो गए उसके अभाव में, मतलब कि आर्द्र औषधि के अभाव में हम ये यूज़ करेंगे। तो चरक जी ने बताया है कि समान भाग में जल लेना है। अब शारंगधर जी बोलते हैं कि 2 गुना मात्रा में जल लो, तुम जो भी तुमने चूर्ण लिया 2 गुना मात्रा में जल लो, 24 घंटे रखो, फिर यूज़ कर लो उसको मसल के और छान के। ये हो गई, ठीक है। अब कुछ औषधियाँ ऐसी होती है कि जो आर्द्र अवस्था में तो होती है लेकिन फिर भी हम उसका स्वरस अच्छे से नहीं निकाल पाते हैं, तो उनके लिए एक स्पेसिफिक आचार्यों ने विधि बताई, उसे कहेंगे पुटपक्व विधि। पुटपक्व, यहाँ हम अग्नि का यूज़ करते हैं, उपलो का यूज़ करते हैं, इसीलिए सुप पुट बनाते हैं, इसीलिए सुप पुटपक्व कहा गया है। अब हम इसे कैसे बनाते हैं ये मैं विधि बताती हूँ आपको, ठीक है। जैसे किसी का कुछ कुछ पत्र होते हैं, जैसे एग्जाम्पल वासा पत्र, निम्ब पत्र, ये पत्र ऐसे होते हैं कि जिनका स्वरस हम निकाल सकते हैं पर इतना अच्छे से नहीं निकलता है, तो इसीलिए हम पुटपक्व में इनका स्वरस निकालते हैं। तो पहले हम इनका कल्क बनाएंगे, कल्क मतलब पेस्ट, चटनी थोड़ा सा पीस लेंगे, ठीक है, उसका पिंड बना लेंगे। फिर पिंड बनाने के बाद वट पत्र, गंभारी पत्र, इनके पत्रों के द्वारा मतलब जो पत्ते होते हैं उनके ऊपर धागे से लपेट देंगे। उसके बाद गेहूँ के आटे का लेप करेंगे 1 अंगुल, फिर मिट्टी का लेप करेंगे 2 अंगुल, फिर उसे सुखा लेंगे। सुखाने के बाद उसे वन्य उपलो, मतलब कि जो अग्नि होती है वन्य की उपलो की, उसके अंदर रख देंगे और उसे तब तक गर्म करेंगे तब तक भी लाल ना हो जाए, ठीक है, रक्त तप्त होने तक उसे गर्म करेंगे, फिर उसे बाहर निकाल लेंगे, फिर वो स्वांगशीत मतलब थोड़ा सा कुनकुना ठंडा हो जाए तब तक उसे रखे रखेंगे। उसके बाद उसकी लेयर हटाएंगे, मिट्टी की लेयर और ये सब हटाएंगे। उसके बाद हम जो अंदर कल्क है उसे निचोड़ के और फिर वस्त्र से छान के हम उसमें यूज़ करेंगे। तो ये हो गई हमारा पुटपक्व स्वरस, ठीक है। तो हमने एक नॉर्मल जो सबसे बेसिक है यंत्र से निष्पीड़ित करके हमने जो बनाया वो स्वरस, उसके अभाव में हमने देखा चूर्ण से कैसे बना, चूर्ण का यूज़ करके हम कैसे बनाएंगे वो हो गया, और एक हो गया पुटपक्व। ये हो गई हमारी पूरी विधि और इंट्रोडक्शन, मतलब ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसकी मात्रा। तो स्वरस की मात्रा होती है आधा पल, लेकिन जो पुटपक्व से या फिर हम जो शुष्क द्रव्यों से बनाएंगे उसकी मात्रा होती है 1 पल। क्यों? क्योंकि अग्नि के का अगर संयोग हो जाता है तो थोड़ी सी लघु हो जाती है, थोड़ा सा लघु हो जाता है वो अग्नि के संयोग होने के कारण, ठीक है। तो इसीलिए उसकी मात्रा थोड़ी बढ़ा देते हैं ताकि वो काम उतना अच्छा ही करे, ठीक है। तो वैसे स्वरस की मात्रा आधा पल होती है, लेकिन अगर हम उसके शुष्क और पुटपक्व से बनाया हुआ अगर स्वरस है तो उसकी मात्रा हो जाएगी 1 पल, ठीक है, अधिक होगी थोड़ी सी। वीर्य के अकॉर्डिंग भी बताया है, जैसे मृदु वीर्य द्रव्यों का अगर स्वरस बनाया है तो उसकी मात्रा 1 पल होगी, मध्यम वीर्य द्रव्यों की मात्रा 1 कर्ष होगी और तीक्ष्ण वीर्य द्रव्यों की मात्रा आधा कर्ष होगी, ठीक है, 1 पल, 1 कर्ष, आधा कर्ष, ठीक है। अब हम देखेंगे प्रक्षेप द्रव्य। अब सबसे पहले प्रक्षेप द्रव्य कितना क्या डालते हैं उससे पहले बता देती हूँ क्या होते हैं प्रक्षेप द्रव्य। जैसे कि कोई भी डिश बनाते हैं अपन घर में भी खाने की, तो उसके ऊपर जो उसको थोड़ा सा टेस्टी या अच्छा दिखने के लिए, अच्छा लगने के लिए जो डालते हैं उसे हम प्रक्षेप द्रव्य कह सकते हैं। तो ऐसा ही हम औषधि में भी करते हैं। तो प्रक्षेप द्रव्य क्यों डालते हैं, इसका क्या प्रयोजन है, तो इसका देखते हैं। उसको स्वादिष्ट बनाने के लिए, उसे प्रभावकारी बनाने के लिए, उसे शीघ्र कार्यकारी बनाने के लिए, इसके 3 प्रयोजन है, ठीक है। क्या क्या होता है ये, तो इसमें मधु, चीनी, गुड़, जीरा, लवण, घृत, तेल, ये सब चीज़ें डालते हैं। और ये कितनी मात्रा में, 1 कोल, 1 कोल मतलब 6 ग्राम की मात्रा में डालेंगे। लेकिन पुटपक्व में अगर हम मधु यूज़ कर रहे हैं तो वो 1 कर्ष की मात्रा में होगा, मतलब ज़्यादा होगा, 2 गुना बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया प्रक्षेप द्रव्य। अब उसका यूज़ क्या है, तो स्वरस का यूज़ क्या, कहाँ करेंगे, तो स्वरस का यूज़ औषधियों के गुणों को बढ़ाने के लिए। जैसे एग्जाम्पल आमलिकी का चूर्ण है, ठीक है, हम उसको अगर आमलिकी के ही स्वरस से भावना देते हैं तो उस चूर्ण का जो गुण होगा वो बहुत अच्छा हो जाएगा। और तो वही कि हम उसमें भावना देते हैं, ठीक है। भावना देना मतलब क्या होता है, मैं बता देती हूँ। जैसे किसी भी चूर्ण में किसी लिक्विड को डालते हैं और तब तक हम उससे मसलते जाते हैं तब तक कि वो शुष्क ना हो जाए, इसे कहेंगे भावना। तो हम आंवले के चूर्ण में आंवले के स्वरस की ही भावना देते हैं तो ताकि उसके गुणों को हम बढ़ा दें, उसमें वृद्धि कर दें, ठीक है। उसके बाद औषधियों के दोषों के निवारण में, निवारण मतलब कि जैसे जयपाल, जयपाल की विषाक्तता को दूर करने के लिए हम भृंगराज स्वरस का यूज़ करते हैं, विषाक्तता को दूर करने के लिए। धातुओं के शोधन के लिए, उनके मारण के लिए, मारण मतलब भस्म निर्माण में भी हम स्वरस का यूज़ करते हैं, या अनुपान में यूज़ करते हैं, रोगों में तो यूज़ करते ही हैं हम,
ठीक है, तो ये थोड़ा उपयोग हो गया, वैसे आप खुद से भी लिख सकती हो उपयोग, तो ठीक है, इतना कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में अदरक स्वरस, सबसे बेसिक, सर्दी खांसी हो गई तो सबसे पहले हम अदरक स्वरस उसको ही थोड़ा सा पीस के अच्छे से उसका रस निकाल के उसमें मधु मिलाकर यूज़ करते हैं, श्वास कास में हम यूज़ कर सकते हैं। तुलसी स्वरस वही, उसको भी मसल के निचोड़ के उसमें मरीच चूर्ण, इसका अनुपान इसमें मरीच चूर्ण का को ऐड करके इसे भी हम श्वास कास इनमें यूज़ करते हैं। कुमारी स्वरस एलोवेरा मतलब उसका जूस। उसके बाद बासा स्वरस, बासा स्वरस हम पक्व से ही बनाएंगे क्योंकि उसके पत्ते कुछ ऐसे होते हैं जिनसे हम आसानी से स्वरस नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो स्वरस कल्पना में हमने क्या क्या पढ़ा है, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन पढ़ी है, फिर हमने उसकी विधियाँ पढ़ी है, ठीक है, फिर हमने उसकी मात्रा पढ़ी, फिर प्रक्षेप द्रव्य पढ़े हमने, फिर स्वरस की क्या उपयोगिता होती है मतलब उसके उपयोग देखे हमने, और देन उसके एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो अगर स्वरस कल्पना आपको लिखने के लिए आता है तो आप ये 6 पॉइंट्स लिख सकते हैं अच्छे से। ओके, थैंक यू।